नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के रामगढ़ इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर हुआ राख। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पैकिंग मटेरियल का गोदाम होने की वजह से अंदर तेजी से फैली आग। कॉलिंग का काम भी जारी। राजधानी दिल्ली के रामगढ़ इलाके में आज दोपहर भीषण आग लग गई, जिसमें अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर पूरे तरीके से राख हो गया। किन कारणों से आग लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। अंदर पैकिंग मटेरियल होने की वजह से आग ने तेजी से पूरे सामान में अपना काबू कर लिया। देखते देखते गोदाम के अंदर रखा हुआ सामान धू धू कर जलने लगा। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की एक के बाद एक 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। लेकिन अभी भी पॉलिंग का काम लगातार जारी है। रामगढ़ जिला का जो कि रिहायशी इलाके के बीच में बना हुआ है, यहाँ पर वैसे अवैध सवाल ये भी खड़े होते हैं कि रियासी इलाके में इस तरीके से अवैध गोदाम बनाने की परमिशन दी कैसे गई। फिलहाल ये सब जांच का विषय है और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और कालिंग का काम अभी भी चल रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? विजय तिवारी। विजय तिवारी जी, ये रामगढ़ में आग लगी है। कितने बजे की कॉल है? ये 4 बजे की। फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ी मौके पे आई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई जी, दो गाड़ी आई, दो पीछे है। ठीक है, जैसे गाड़ी आई काफी कंट्रोल हो चुका था। गाड़ी आने के बाद और भी ज्यादा कंट्रोल हो गया, खतरा टल गया। टोटल 4 गाड़ी करीब। क्या चीज के गाड़ी आने से पैकिंग मटेरियल मशीन है जिससे कोई प्रोडक्ट पैक होता है। क्या प्लास्टिक की है? प्लास्टिक नहीं, मशीन है, प्लास्टिक कोटेड मशीन होती है, जो है प्लास्टिक मिक्स होता है। कब से यहाँ गोदाम बनाया गया है? करीबन 2.5 साल हो गए। क्या लग रहा है प्रशासन के, क्या अभी प्रशासन का? ठीक है, प्रशासन जो कर रही है ठीक कर रही है। अभी आप क्या नुकसान हो रखा है? काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, तो नुकसान तो सारा ही हो गया। क्या नाम है सर? पारस कुमार, स्टेशन हो गए सर, दिल्ली फायर सर्विस से। अभी यहाँ पे हमको कॉल मिला था 4:25 पे ही। कॉल मिलने के बाद जब हम इनिशियल यहाँ पे आए तो हमने देखा कि फायर यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे था, जिसको अच्छी तरीके से एक्सटिंग्विश कर लिया गया है। इसमें कोई भी आदमी इंजर्ड नहीं है। और ये जो बिल्डिंग है पूरा आपका, ये बिल्डिंग है आपका बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, जिसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर फायर था। मौके पे कितनी गाड़ी आई सर? मौके पे 7 गाड़ी आई। अभी मौके पे 7 गाड़ी आई जी। अभी क्या है, कोई इंजरी? नहीं, इंजरी किसी को नहीं है यहाँ पे। सफलतापूर्वक फायर को एक्सटिंग्विश कर लिया गया। क्या मालिक का क्या कहना है? मालिक का कहना है कि उसको पता नहीं है कि फायर किस वजह से हो पाई है। जब उसने कॉल किया तो उसके बाद यहाँ पे गाड़ी पहुँची, गाड़ी ने यहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश किया और अभी किसमें किसी को चोट नहीं है। सफलतापूर्वक इस फायर को एक्सटिंग्विश कर लिया गया। थैंक यू। तो सारा अंदर जल गया, कुछ बचा कहाँ? पैकेजिंग मशीन का था सर। लगभग 2-2.5 साल हो गए सर। नहीं कुछ तो 4-5 लाख रुपया तो मिनिमम हुआ होगा, ज़्यादा ही हुआ। कैलकुलेशन तो है नहीं अभी। जो बची थी वो बची थी। बंद था, शॉर्ट सर्किट से हुई है। पड़ोसी बताए, कॉल किए। क्या ये वहीं पर पड़ोसी सभी बता पाएंगे, क्योंकि मैं था नहीं, मैं बाद में आया। जितने भी फोर्स थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया। उन सब ने जबरदस्त कॉल किया, काफ़ी ज़्यादा आ गए वो लोग।